जानेंगे इस वीडियो में सुथरेक्स तुलसी सिरप के बारे में और जानेंगे ये क्या है, कहाँ दी जाती है, डोज क्या होती है, कौन इसका यूज करता है, साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, काम किस तरह से करती है, सब कुछ जानेंगे। सो देखिएगा दोस्तों, सुथरेक्स तुलसी सिरप एक ब्रांड नेम है पिल कंपनी का। पिल कंपनी का प्रोडक्ट है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो सेल्फ यूज नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लगभग हर केमिस्ट स्टोर पर, हर दवाई की दुकान पर आसानी से मिल जाती है। बात करें भाई कहाँ दी जाती है, तो दोस्तों ये पीने की सिरप आती है, बड़े व्यक्ति में, बड़े लोगों में ये दी जाती है पर्ची से, ठीक है। कहाँ दी जाती है, जहां पर एंटी एलर्जिक प्रॉब्लम हो या एलर्जिक प्रॉब्लम हो, सूखी खांसी आती है, दासी आती है, या छाती में मुक्कस है यानी कफ है, जकड़न है, बहुत ज्यादा कफ भारी रहता है छाती में, तो वहां दी जाती है। अस्थमेटिक एलर्जी है, तह तक आ जाती है, वहां भी काम करती है। दोस्तों अगर श्वास नली में कफ है, नाक में कफ है, वहां भी काम करती है। नाक से पानी आ रहा है, टॉन्सिल प्रॉब्लम है, गले में खाज चलती है, तो वहां भी काम करती है, काफी सारी प्रॉब्लम में काम आती है। सूखी खांसी में, कफ वाली खांसी में, एलर्जी प्रॉब्लम में, जुकाम की प्रॉब्लम में काम करती है। बात करते हैं भाई काम किस तरह से करती है, तो देखिए इसके अंदर आते हैं चार सोल। पहला है लियोसेट्रिजिन, दूसरा है डेक्सामेथासोन, तीसरा है फेनिलापरिन और चौथा है ग्यूफिनचिन। दोस्तों लियोसेट्रिजिन एंटी हिस्टामिन सोल्ट है, हिस्टामिन नाम के रसायन को बने से होता है, कई बार उसी के कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है। फेनिलापरिन डीकंजेस्टेंट है, गले में जकड़न है, नाक बंद है, वहां काम करता है। ग्यूफिनचिन एक्सपेक्टोरेंट है, कफ को बाहर निकालने का काम करता है। चौथा है डेक्सामेथासोन, दोस्तों डेक्सामेथासोन एंटी एलर्जिक सोल्ट है, एलर्जिक प्रॉब्लम काम आता है, नाक से पानी आ रहा है, छिकारी, वहां काम आता है। तो इस तरह से चारों सोल्ट मिलकर काम करते हैं। डोज की बात करें, कोई बड़ा व्यक्ति है आराम से दिन में 2 से 3 बार ले सकता है, दिन में 3 बार ले सकता है मैक्सिमम, 5-5 ml खाने के बाद अच्छी रहती है। जाने साइड इफेक्ट के बारे में, वैसे तो नहीं होती है, लेकिन एलोपैथी मेडिसिन में थोड़ी बहुत हो भी सकती है, जैसे कि नींद में दिक्कत होना, सर भारीपन महसूस होना, वोमिटिंग करने का मन करना, कब्ज बनना, गैस बनना, ये इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हर किसी में नहीं होते, बहुत ही कम जो होते हैं, घबराने की बात नहीं है। दोस्तों सावधानी इसकी है, डॉक्टर की सलाह से लेना है, सेल्फ यूज नहीं करना है। अगर कोई महिला प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट फीडिंग में, तो वहां पर भी डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, बच्चे के लिए अच्छा रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।